सुनील साहब गल सुनो, सुबह टॉस कर दियो कि मैं किधर से जाना है किधर से यार सुबह में। ये आपका अच्छा सवाल है, मैं एक डब्बा पकड़ा मैं क्या नहीं, गाड़ी की चाबी है। तो अभी पार्क व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। ये देखिए आज तो आपने कॉपी की यार मुझे। सर आपने क्या बात है। नहीं नहीं बॉयज मैं हूँ, आप तो अंकल हैं। सर ये आपकी तो कर रहे देखिए सर, ये स्टाइल है अंकल। बचपन की आपकी जीन है? नहीं बचपन में ठीक था, जवानी में काम खराब। और ये बॉयज देखें कितने बॉयज इधर खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 बॉयज, जाहिद भाई, इमरान भाई, हेलो गुडू भाई, फैजान एंड गुडू भाई। सर सुनील भाई हम क्या करने जा रहे हैं? सर प्लान ये है कि एक तो आपको थोड़ी बहुत जो नई हमने गाड़ियां इकट्ठी की हैं वो दिखाते हैं। really? उसके अलावा आपको लाहौर में आए एक ब्लू रोड है वो दिखाते हैं। आप really? कराची से है ना, कराची में ब्लू रोड नहीं होती। कराची वालों ने तो कभी नीली सड़क नहीं देखी भाई। सर फर्स्ट जनरेशन टोयोटा हिलक्स, फर्स्ट जनरेशन टोयोटा टाइगर कहते हैं ना? नहीं टाइगर पहले इससे बहुत आगे, 2002 वाला टाइगर। ये डॉगी है, ये डॉगी है, क्या डॉगी है? इसके बाद आया टाइगर 2002 है, तो 98 इंच का है। इतनी ठंडी सड़क आ रही है सुनील साहब जी ना, ये ऐसे तो नहीं जिस तरह बंदा आम खा ठंडी सड़क, वो नहीं थी माल रोड से अगली। उसको ठंडी सड़क सुंदर दास वो कहते हैं बिकॉज उसमें हर वक्त साया रहता है, चिसन के बिल्कुल साथ है। तो इस पे किस चीज का साया है? इस पे साया नहीं है, इसका कलर ब्लू है और उन्होंने कहा ये कि ये इको फ्रेंडली है। इसके बारे में इमरान भाई ने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने 9th वंडर ऑफ। नहीं तो सुनील साहब इसी तरह फादियत है जिस तरह बंदा आम खान तो बाद कच्ची लस्सी पी लेता है। मच्छी के मुझे आप पिएंगे ना लस्सी, इसकी वो फादियत है। वो उन्हें वापस जावांगे तो गड्डी गियर तो गुजरेगी तो उन्हें कच्ची लस्सी वाला फील आएगी। नहीं वैसे आपस ही बोलो। सर और सवाल है मेरा सुनील साहब कि ये ठंडी सड़क इन्होंने अंडरग्राउंड बनाती है, उत्तर तो पहली छां है उत्ते पर नहीं, बाहर अंडरग्राउंड नहीं है अभी, आप देखिए खुले में है, खुले में खुले में ये है पॉइंट। नहीं गलत पॉइंट है ना, अभी दिखाई मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर में, अंदर थोड़ी अंडर पास के अंदर नहीं है, बाहर है। उसको उतनी धूप तो नहीं पड़ रही जितनी इसको। हाँ इधर इसको क्यों नहीं ब्लू किया? यस ये सब दिल्ली है, ये तो 24 घंटे धूप है। ये पहले की बनी हुई थी, उन्होंने नई बनाई है, उन्होंने एक मार्केटिंग गिमिक किया ना कि हमने एक नई प्रोजेक्ट बनाया और हमने ब्लू सड़क बना दी है। इसके अलावा आपने पाकिस्तान में पेंट किया या चारकोल का रंग नीला है? पेंट किया, पेंट किया। सर अभी हम तो रुक के देखते हैं। बेटी गोल चेकर को भी इन्होंने पिछले साल ना सारा कलरफुल किया था। हाँ, अच्छा। वो 4-5 हफ्ते में गाड़ियां गुजरी फुल वापस ब्लैक। तो पापों का ये हमारे गार्ड से आगे क्यों जा रहे हैं? ओह माय गॉड, माय गॉड। अच्छा ये देखें, ये सुपर है, सिल्वर है, सुपर है, ये सुपर है, सिल्वर है। ये देखें सर, ये देखें काला नहीं है, वो चमचम लाइटें जलती हुई कैट आई, कैट आई नहीं डॉग आई है। आप शीशा नीचे कर लेते हैं, ये लेंगे आप ब्लू के ऊपर, आधी काली हो गई, ये ब्लू काली हो गई है, ब्लू काली हो गई है, ब्लू काली हो गई है, माँ तेरा नाल लाल नीला हो गया, ये हरी हरी लग रही है, काली हो गई ना अभी, टेनिस कोर्ट टाइप फील आ रहा है। ये देखें ना ब्लू थी, ये काली हो गई। अब हम राइट पे रोकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे सुबह में आ रहा था ब्लू ही थी। हमारे पीछे ब्लू सड़क है, उतर के देख लें, गार्ड जाने दें आप देखें, तू बस गार्ड पहन के फिरा कर, तू सेफ नहीं है। वो देखिए लाइट पड़ती है ना, ये देखिए लाइट पड़ती है, थोड़ा सा ही रह गया ब्लू, ज्यादा ब्लू तो। भाईजान ये है, कहाँ जा रही है? ये देखिए सर, ये है, ये देखिए, ये ब्लू सड़क है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये दिस इज ब्लू, लाइट जला के देखें ना, ये देखें ये ब्लू है, जैसे टेनिस कोर्ट पे नहीं होता ब्लू, इट्स जस्ट लाइक दैट। इसका फायदा क्या है? आप काली पे जाके अलग आके देखें फर्क क्या कि नहीं दोनों में, आज तो मौसम ही ठंडा है। सरकारी क्लब के स्विमिंग पूल का भी ऐसे ही कुछ होता है। और इससे फर्क पड़ेगा यार, बाय वर्चू ऑफ कलर ही फर्क पड़ जाता है, आप धूप में खड़े हो काली शर्ट पहन के या सफेद पहन के फर्क पड़ता है। एक बात यहाँ पे घुमा ले, इधर भी छांव है, इधर भी छांव है, यहाँ पे 2-3 घंटे ज्यादा धूप नहीं, डायरेक्ट बस वहाँ से कोई गाड़ी ना आ जाए, बाकी नहीं आने आएगी, हमने साइड पे एप्रन पे खड़ी की है, सड़क का साइड पे वो नहीं है, आप समझ रहे हैं चूल्हे वाला एप्रन, खाना बनाने लगे राइट, मगर इसमें जरा ख्याल करें पूरा अमला जहाँ भाग ना हो जाए। मार्केटिंग में क्या मैंने बोला, जब हम आए तो पता हमने जब किया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही कर रहे, जब हम आए तो आपको पता नहीं कि ब्लैक सड़क एक ब्लू एकदम की वो गंदी हो गई हुई है। तो मैं सर नहीं हूँ उचित, कभी कभी सर ये अंडरपास बने फिजान साहब, पहले यहाँ पे सिग्नल था। अच्छा ये कलमा अंडरपास बड़े सा बंद रहते हैं, लाइट है, मैं तो रात में पहली दफा जा रहा हूँ, मैं तो रोज आता हूँ, ये बाकी बहुत नेक्स्ट लेवल बनाया। कॉप्स नहीं है भाई, ये कॉप्स लोकल आई है, ये मजेदार है, ये नीचे ना दे देना, इनको डर लगता है ना तेज चलाना, वैसे ही फर्क समझते हैं।
ओह माय गॉड, ये ग्रैंड टूर जो आवाम जो है पिछली सदियों से कर रही थी, हम सारा ग्रैंड दिखा रहे वैसे वैसे दिखा रहा हूं जो हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है जी सुनील का विड की क्या बड़ा ग्रैंड है, चेक करें बोले कि बड़ा बयान साहब है, ग्रैंड में क्या क्या खड़ा है, साइकिलें मोटरसाइकिलें सब खड़ा है सर, आज सब दिखाएंगे, आज कुछ तो ऐसा खड़ा है जो सर कई सालों से खड़ा है। किसकी बात कर रहे हो सनी, ये ट्विन टर्बो RX-7 है सर, ट्विन टर्बो स्टॉक रोटरी रियली क्या बात, मगर ये मॉडिफिकेशन आपने खुद किए ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये फाइबर का बोनट था, मैंने सिर्फ इसको भी रैप किया हुआ, इसको 3D रैप और करना है, ये ओरिजिनल स्टॉक रोटरी पे है, अभी आपको स्टार्ट करना है, इसको फुल कंडीशन में लेके आना है। सुनील साहब की गोद ली हुई बेटी है, अंदाजा है ये 2013 से मेरे पास है और ये 2013 से अब तक सिर्फ 3,000 भी नहीं चली, और ये 2013 से ये भी इसके पास ही है और सही चल रही है अभी तक। सर अभी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, रोटरी क्या कहते हैं ना, स्टार्टिंग खराब होती है और खराब ही है। नहीं 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 अभी एक सेकंड का डिले आ गया, बैटरी थ्री कोई भी चीज आप पे करेंगे, सही बात, बकवास ना कर, हाथ में आ गई इसकी कुछ खास नितारी है, अफजाल ने क्या है लाइट मारी जरा लावा, व्हाइट है ब्लू है ग्रीन है क्या इसका क्या मतलब है, ब्लू ग्रीन है ये सिग्नल होता है ना, ग्रीन का मतलब है। चलो दोबारा स्टार्ट कर दो, कर दो स्टार्ट, बैटरी अगर वीक होगी तो रेड होगी, जरा अंदर से देखो स्टार्ट कर, वरना आपके पैसे वापस। हां ओ ओए यार साउंड यार कैसे बात सुने, यानी स्टार्ट सारी सुबह रोज सारी स्टार्ट करके जाता हूं, रोज सुबह उठ के सारी स्टार्ट करता हूँ, फिर धोता हूँ, फिर जाता हूँ। आजकल का तेल का कुआं कहाँ है, रात में? नहीं जब पेट्रोल डलवा लेता हूँ ना उसके बाद खड़ी करते तो थोड़े अरसे के लिए, और फिर जब खत्म होता है फिर दोबारा लेके जाता हूँ बाहर। सर ये है जो कल ये मार्केट की पैसों, सर ये वो है CL, मैंने आपको दिखाते हैं, ये मैं कह रहा था मार्केट के पैसों में लिए, अभी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी पे, यू नो इधर आना जरा, लाइट लाइट, सो 107 इज 73 मॉडल SL280, ब्यूटीफुल यार, इसकी सॉफ्ट टॉप एक जमाने में कराची में होती थी, हां इसकी सॉफ्ट टॉप है, सर ये एक जमाने में उससे पहले हिजाज में थी, उससे पहले ये थी जर्मनी में होगी غالबा, जर्मनी से स्टार्ट, फिर ऑन की क्या थी मम्मी, इसका सफर उसकी मम्मी तो अभी भी जिंदा है, मेरे जेब में मम्मी बकवास ना करें, इसका आप कह रहे एक जमाने में, फिर ऑन की मम्मी सर ये तो वो पिगोडा जमाने में नहीं, ये पिगोडा से अगली है, पिगोडा 60s मॉडल की SL73 होती थी, हां जी जी ये SL है, आपने आजकल पेंट में पगोड़ा बनाया हुआ है। वैसे आपको एक बात बताऊं, इसकी आप हार्ड टॉप भी लें यार, हार्ड टॉप वो पड़ी सर, वो ली है सर, वो पड़ी है, अरे यार अच्छा मैं समझा ये छोटी सी गाड़ी है, उसका हार्ड टॉप पड़ा है, सॉफ्ट टॉप भी है, हार्ड टॉप भी है सर, इनके पास हर चीज पड़ी हुई है, और आजकल इसका काम चल रहा है, इसके तीन अभी नए फ्यूल आए, फिल्टर आए हैं, इसकी ब्रेक पैड आए हैं, ये अभी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया सर, इसके ब्रेक जो रोटर्स और जो ब्रेक पैड है ना वो 1,20,000 रुपए के हैं, और पैदल जाके मगर मिल रहे हैं यहाँ पे, मिल रहे हैं बट यहाँ से महंगे, ये मिठाई का डब्बा पकड़ा हुआ क्या, नहीं गाड़ियों की चाबी है, नजर ना लगवाना, अच्छा ये सर लेटेस्ट इसकी हालत देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी हालत दिखाता हूँ, आप देखें और उसके बाद आपने बताने के मैंने कैसी रिस्टोर की, आए उधर से लावा साहब दिखाएं ना जरा इसको, 115 दिरहम में माल ये देखें, ये देखें इस गाड़ी के भी डिग्गी में आपको दिखाते हैं कितना सामान है जो हमने मंगाया है, अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें सीट फटी पड़ी सब कुछ बुरा है, अभी हमने इसका सामान कॉस्मेटिक है या मैकेनिकल भी है सर, आपको दिखाते हैं, मैंने आज इंपोर्ट कल के जो सारे सामान लिए है ना, फरहान साहब इधर आए ना जरा, चाबी नीचे से खोले, नहीं अभी ओए चाबी पकड़े फरहान साहब, गुड्डू साहब किधर गए सर, एक सेकंड मैं फरहान साहब पकड़ लो चाबी पकड़े, और इसके यहां पे ये पूरे गैराज में फेवरेट तीरीन गाड़ी मैं नहीं डाल सकूंगा आपको, कौन सी वो, हां जी कि जो तो मर्जी चला लो, V8 जितने मर्जी ले, जिसके ऊपर गुड्डू साहब भी आ गए कई दफा, वो वहां पे गए हैं चोलिसान, मैं कह रहा हूं जो मर्जी चला लो, और ये फरहान साहब लाइट दें, 221 मॉडल है, इसकी खास बात ये कि फुल इलेक्ट्रॉनिक होने से पहले का मॉडल है,
इसके बाद मर्सिडीज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है। हेल्प कर दे कोई। फरान साहब इधर आंखें लेके है ना अपनी। इसको देखिए यहाँ पे चाबी का सुराख होगा, उसमें लेके जाए इसको। ये यहाँ पे चाबी होगा, यहाँ पे देख के करें ना, देख के करें, घुमाएं। चलें ये देखें, ये खजाना जो डिग्गी में पड़ा है, ये वो सारा सामान है जो मैं आपसे कहते आया है। ये इसके सारे सस्पेंशन के लोअर आर्म, अपर आर्म, मिडिल आर्म, ये सारे इसके इंजन के वो, ये देख रहे इतना बड़ा। हमने प्लान ये किया कि इसके डिस्क रोटर पुराने निकाल के उससे हम बना लेंगे एस्ट्रे, ओरिजिनल निकाल के देखें, डिस्क रोटर का साइज देखें और वेट देखें उसका। ग्रिल ब्रेक रोटर क्रॉस ग्रिल्ड, हां ये कॉरल की प्लेट निकाल के देखें, ये उसको खोले नहीं आ सकता, इसका वेट देखें, फ्रांस सबसे उठाया नहीं जाना के लिए, तो पूरा डंबल लग रहा है। अच्छा ये क्या है, ये ब्रेक रोटर है, ब्रेक रोटर है पूरे का पूरा, इसके ऊपर डिस्क पैड लगता है, गियर बॉक्स है डिस्क है, ये अब इसकी ओरिजिनल जो निकलेगी ना उसको हम एस्ट्रे बना के गुड्डू भाई को गिफ्ट कर देंगे। हां सर मेरी किससे तो ऐसे भी एक मुझे भी दे दीजिएगा सर। अगर निकल गया सर, कई दफा मैकडॉनल्ड गए तो चाय के पैसे नहीं निकले, वो इसीलिए नहीं निकले सारे, इधर जो लगे सुनील साहब को पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 रुपए के निकल आएंगे। आए जी आपको और दिखाते हैं, एक और जर्मन ब्यूटी जो आपसे लास्ट टाइम के बाद लिए वो दिखाते हैं आज। In Pakistan. Beautiful car. ये क्या है सर? SL CL 500 Starting की आवाज़ सुनना। ये 5000 cc होती है। हाँ जी। Sophisticated. Sophisticated यार। इस generation के जो headrest और जो सीटें थी ना। It's basically उसी का tour है ना। जो भी हम S देख रहे थे ना 220 उसी का tour है। और SL में ये सीट आया करती थी। ये। ठीक हो ना भाई? यार अमीर feel आई है इसका। है ना? ये वो गाड़ी है जिसमें मर्सिडीज बेंटली बननी शुरू हो जाती है, यू नो CL। दिस इज द एक्चुअल फ्लैगशिप ऑफ द रेंज। इसको 215 बोलते हैं। सो ये सिस्टर है 220 की जो वहाँ खड़ी थी, ठीक है जी। अच्छा। ये 221 है जो दो है हमारे पास, ये 350 जो रजाक भाई से ली थी। अच्छा। वो वाली जो हमने अभी रमजान में पूरी किया है ना फजान साहब, ये तो आपने देखी भी, ये वाली ये गाड़ी देखने वाली ये मैंने सिर्फ वीडियो में देखी है। ये थी जो अब्दुल रजाक भाई से ली थी 2008 है ये। ओए ओए। ये अभी 35,000 चली खाली। रियली ओ माय गॉड। अब तो ये बात डेफिनेटली खाना आप ही खिलाएंगे, वो भी सुबह पे। सुबह पे Beautiful यार। और सर ये है जो भी हमने रमजान में पूरी की है। Of course। ये देखो सर, ये मुझे गाड़ी बहुत पसंद है। ये आपने रैप रैप है इसके, ये पिलर, ये नहीं डिजाइन है, खत्म भी हो गए थे। यहाँ से देखे ना, ये हाफ पिलर के थ्रू आ रहा है और ये यहाँ पे इसके सारे एम्बलम शेम्बलम, पूरी गाड़ी ब्लैक्ड आउट है, कोई चीज क्रोम में नहीं रहेगी, जितना क्रोम था सब ब्लैक हो गया। Very Bentley. और इसके जो व्हील है वो चेक करें, टर्बाइन स्टाइल व्हील, जितना क्रोम था ना गाड़ी में सब ब्लैक आउट है। और वो मोनोग्राम, ये मोनोग्राम ब्लैक, ये इस ब्लैक, जितनी दीवारों पे गार्निश है, जितनी ऊपर ये वेदर ब्लैक बाय SSM, हां ये वेदर स्ट्रिप सारी, ये सब जो क्रोम था ऑल इज ब्लैक नाउ, उसमें कोई चीज अब आपको क्रोम की नजर नहीं आएगी। इंटीरियर की इसकी सीटें जो बनवाई है सर, ये चेक करें, इसकी सीट फटी हुई थी वैसे ही, अब सीटें चेक करें, और लेदर में ही बनवाई है, लेदर ही बनवाया है, और इसका रूफ लाइनर भी ब्लैक है, गाड़ी आईवरी व्हाइट है, इसमें नाइट विजन भी है, बल्कि इस वाली में एडिशनल, ये देखें नाइट विजन से क्या होता है अभी आगे आपको ये देखें पूरा, वो अगला वो दिखाएगा पूरा। इस जनरेशन में आ गया था 2007 में, कोई बिल्ली शिल्ली कोई भी जा रही होगी वो आपको दिखाएगा सारा, एक एक चीज दिखाएगा इसके अंदर, आप आगे चले जाए, कुत्ते नहीं दिखाते तुम्हें। No, हर S-Class की generation में जो एक बड़ा step लिया जाता है वो नजर आता है, you know? हाँ, सर, वो visible और इस generation में ये था कि night vision और हाँ जी इसमें night vision था, इसके अंदर और भी बड़ी चीजें थी पहले, इस वो जो आप आगे देख रहे हैं ना यार, ऑल्टो पे जो अभी किधर, आई थिंक डिटेक्शन भी थी किसी साइड पे, मैं भी आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ भी ऐसे है, इमरान को देना करते हैं V8S ये तीनों, ये वो V8 है, दैट इज V8,
जो है 500 है, so ये भी V8 है, ये भी V6 है, वो तो हमारे यहाँ पे लोग पेंडुओं के क्रूजरों कहते हैं, V8 तो एक इंडियन फॉर्मेशन है ना, तो ये V6 है, वो V8 है, ये भी V8 है, लूकी बोलान, आपको V12 दिखाता हूँ, लूकी बोलान, V8 की, तो हमारे पास V12 भी है, अच्छा, हाँ जी, वो कैसी खड़ी है सर, वो वाइट खड़ी है, वो बोलान में ही लड़ी V12, हाँ, आवाज बहुत प्यारी है, वो इसकी आवाज है, अच्छा मैं वही है, सिल्की है इसी गाड़ी का टैंक फुल करा के उसी टैंक में वापस आए थे, फिर भी क्वार्टर टैंक था। राजीव भाई को बता देना पीछे से चला जाऊंगा। चाबियां गाड़ियों के अंदर ही रहने दूं? नहीं निकालने सर, हमारी चाबियां एक जगह होती हैं, गाड़ियां लेके जा रहे हैं गिराज टूर जैसे करता है। राजीव भाई मैं जाऊं ना, जिन जिन की आई थी वो लेके जा रहे हैं, तो कह रहे हैं गिराज टूर जिन जिन की आई थी वो लेके जा रहे हैं, ओह जिन जिन की आई थी वो लेके जा रहे हैं। उधर आए सर, अब आपको अपनी दो बाकी हम बाकी गाड़ियां में दिखाते हैं आज। और ये है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, 3 मिलियन तो सर पर्सनल एक ऊपर एक बंदे को तो हम लेके जाएंगे। अभी मैं सारे दिखाए नहीं ना, आप 3 मिलियन के लिए वेट कर लें। ये तो ये पेयर है सर, मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ द रेयरस्ट पेयर। So this is one of one V12 in Pakistan. Former ruling family. Yes. है ना? This is one on one V12. ये CL जब उसका नाम रखा था उससे पहले की गाड़ी है, हाँ ये जी, इसको C140 बोलते थे, ये W140 थी. Basically. So ये इसी की टू व्हील है. कूप है ये. टू डोर है, कूप है, और ये फोर है. आपका क्या कमेंट है इसके? जिस तरह हमारे पास ये गाड़ियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी, उसके साथ की वेस्ट क्लास है, तो ये CL इसके साथ की वेस्ट क्लास है. ये तो SL600 है, ये 320 है, ये 320 है. क्या कह रहे हैं? चलती नहीं देखी कभी यार मैच, ये अभी भी स्टार्ट है, अभी चैलेंज करना है? मैं चैलेंज नहीं करेंगे, मैंने कहा जी खड़ी हुई तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, इंशाल्लाह मार लेते हैं, 1 महीने से स्टार्ट नहीं की, अभी ट्राई मार लेते हैं, इसमें अगर बैटरी वीक ना हो ये तो स्टार्ट है, ये तो मैंने सुबह धोई है। पेट्रोल का कितना सदमा पड़ता है यार? ये हर 2 हफ्ते बाद 5,000 रुपए, ये बैटरी वीक है, 2 हफ्ते में 5,000 और 2 हफ्ते कहीं जाना है इसकी, 2 हफ्ते कहीं नहीं जाना, सिर्फ स्टार्टिंग में 5,000 रुपए, सिर्फ स्टार्टिंग के 5,000 रुपए नहीं कर इसके भी, इसके भी 20 लीटर हाँ खड़ी रहती है, कितनी चला सकते हैं यार आप इसको? नहीं मैं सुबह उठ के जब गाड़ियाँ धो रहे लगता हूँ उस टाइम इनको स्टार्ट करता हूँ ना, और उसके बाद फिर इनको थोड़ी देर बाद बंद कर देता हूँ। स्टार्ट के महीने में 5,000 रुपए हो जाते हैं, महीने से पहले हो जाते हैं सर, हफ्ते में। मैंने अभी कल से 5,000 रुपए का डलवाया ना, अब इसको खड़ा किया ये 5,000 रुपए हफ्ता, सुनील साहब 2 हफ्ते बाद ही है ना, सालू 5,000 हफ्ता ना कि रोज को हो रहा है। इसका इंटीरियर चेक करें सर, किस सफाई देखें इंटीरियर की, क्या बात है, इट्स अ 96 मॉडल कार, इसकी सीटें यहां से देखें 96, हां जी, और ये कब की चली, कितनी चली हुई है ये? चली हुई 2 लाख 2 लाख 96 मॉडल, इवन रियर सीट्स आर रिक्लाइनिंग, 2008 में चली थी रियली, रियर सीट्स भी रिक्लाइनिंग है इसकी, आप लेदर की हालत देखें, इंटीरियर की हालत देखें, स्पॉटलेस, इस जमाने में रिक्लाइनिंग सीट्स है, ये पिछली वाली भी रिक्लाइनिंग है, ये देखो और चलती हैं, और चलती हैं, इससे पिछले मॉडल में भी सीट बेल्ट को लाने का वो होता था, ये वही गाड़ी जिसमें लेडी डायना की डेथ हुई थी, उस जमाने में सेफेस्ट कार थी, उस जमाने में सेफेस्ट कार थी, इसमें पेरिस गया ना वहाँ पे एक टनल के अंदर जिसके अंदर एक्सीडेंट हुआ था, उसके ऊपर किसी ने उर्दू में भी लिखा हुआ था, बहुत से लोगों ने अपनी बातें लिखी हुई, उसमें लिखा हुआ था दो शीशे, असल मोहब्बत को इस तरह से नहीं मिटाया जा सकता, उर्दू में किसी ने लिखा हुआ। अच्छा जी ड्यूल जो इसको लोग कहते हैं जी, इसके बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है, इसमें भी है, उसमें भी सारी एस के अंदर ना साउंड प्रूफिंग के लिए डबल ग्लेज ग्लास होता है, डबल ग्लेज, इफ यू लुक एट दिस, इस मॉडल में एक ऊपर था ही नीचे था, इसी मॉडल में आए थे, इससे पहले आ गया था ये, दिस इज वाज द फर्स्ट मॉडल जिसमें डबल ग्लेज आया था, सो 220 में भी है, 215 में भी है, और इसमें भी है, 221 में भी है, ब्रिलियंट इन सब में, आप ठीक है, सो ये और वो बहने समझ लें, सो इनके काफी पार्ट जो है क्रॉस लिस्टेड है, वो 220 है, उसी की जो है कूप ये, ये 215 है, सो इसके जो शीशों के जो इंडिकेटर हैं, दोनों के ग्लैमर में जमीन आसमान का फर्क है, ये दोनों की शादी मुस्लिम इलाकों में हुई ना, वो अच्छे घर गई, बिल्कुल वो आपको पता ही है, हमारे जाहिद भाई को सुकून तो नहीं आ रहा, कैसी जाहिद भाई? मैं कहता हूं मजा आ गया, मजा आ गया, रिस्पांस कैसा है? थ्रॉटल पे रिस्पांस कैसा है? भाई कई चीजें होती है जो पैसा नहीं खरीद सकता, ये उनमें से है, नहीं सही बात, माय गॉड, बहुत तारीफ कह रहे हैं जी, तेनू कह रहे हैं जो तू कह रहा है पे ऑर्डर पे दे, आप वो उस पे फंसे हुए हैं, किस आप स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स का एक और जर्मन भी है, वैसे जर्मन एक रहेगी, वो भी जर्मन है, कौन सी? G3 जेम्स बॉन्ड सर, हां G3 2001 सर, गाड़ियों में जर्मन का जो इशू नहीं है, सैलेड में रशियन, दिल है पाकिस्तान, कहते हैं ना, कहते हैं टॉप गियर में मैंने सुना था कि यू डोंट लेट द जर्मंस डू द फूड, लीव इट टू द इटालियंस, एग्जैक्टली, तो ये भी मेरा ख्याल है, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट माइलेज, ये बाय फार पाकिस्तान में से लोएस्ट माइलेज G3 नहीं, और इंजन क्या है इसमें? इसमें 2.3
जो स्टैंडर्ड इनका स्टैंडर्ड इंजन था, बड़ा मशहूर इंजन था और बड़े मजे की गाड़ी है अभी भी, मतलब चलती है ना आपको मजा देती है, आप उसको एंजॉय करें बहुत। और इसके S2000 टाइप फील थोड़ी सी, बिल्कुल इसकी जो इसका बोनट जो था वो इतना लंबा था जस्ट लाइक अ जॉगर। और ये मुझे याद है जब 2001 में हम स्टूडेंट हुआ करते थे तब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, तो जेम्स बॉन्ड की मूवी में आती थी और मर्सिडीज ने SLK इसको देख के बनाई थी। एग्जैक्टली, लॉन्ग बोनट, नोज, यू नो, बिल्कुल वो इसी को समझ लें कि रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी। ये जब चलती है बहुत मजा आता है। मैंने चलाई हुई है ये। नहीं अच्छा एक मिनट, जब चलती का भी चैलेंज है, अभी चाबी लाएं ना, स्टार्ट हुई आपकी, स्टार्ट हुई तो मेरी, जब चलती स्टार्ट हुई तो मेरी और आप इसकी टैंकी बंद कराएंगे। शेखानू मारो रस्ते में, रो पड़ा RPM 100 पर के मेरी गाड़ी कोई भी RPM हो गया है। आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक, दोनों इलेक्ट्रिक, दोनों इलेक्ट्रिक हैं। मैंने रात को दोनों चलाई हैं। सर ये दोनों इलेक्ट्रिक हैं। बाइक भी इलेक्ट्रिक, बाइक भी और ये साइकिल भी। और ये साइकिल जो है ये पाकिस्तान के बच्चों ने बनाई है। मैं सोच रहा हूं आप इसको चला के देखें। सुना है इसके बारे में? आप इसको चला के देखें, बहुत मजे की। आज नहीं, मैं किसी और वक्त चलाता, कल चलाता। गुड्डू भाई चला रहे हैं, मैं आपको चला के दिखाता हूं। बहुत लेके निकलते हैं ना, कोई टूटा है, कुछ तोड़ दिया, कोई जर्मन बॉटल टूटी, कुछ तोड़ा है। चलो 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 जाने दो, परेशान नहीं होते, जो टूटने वाली चीज टूट जाती है, शीशा हो या दिल टूट ही जाता है। सर ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, मैं सोच रहा हूं ऑन तो कर लो, यहां से ब्रेक दे, यहां से नीचे से ऑन होनी है, ब्रेक चेक कर लिए नहीं तो कुछ और टूट जाएगा। नहीं नहीं, रात को सुने यहां फुल शेयरिंग की है, मजा आ गया इसको चलाने में। ड्राइवर चलाए ना इसको, मैं रात को यही घर इसी पे गया हूँ, मैं और इमरान दोनों दो दिन से जा रहे हैं। जैगवर भी है सर, और ये मैंने इसको फुल चार्ज पे लेकर गया हूँ सुई गैस कल, बल्कि उधर स्ट्रेट लाइफ और वापस आए और इमरान दोनों, और स्कूल मोटर लगाया हुआ है, और जबरदस्त चीज है। 125 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज 2.5 घंटे में चलाए। ट्विस्ट क्या, पावर कहाँ से आती है? इसको तीसरे गियर पे कर लें, यहाँ से तीसरा कर लें, फुल स्पीड हो जाएगी। नहीं मैं साड़ता नहीं, मैं ये गाड़ियाँ खड़ी रखता हूँ, मैं चलाता नहीं, मैं आजकल ये चला रहा हूँ, ये और ये शौक है। म्यूजियम को विजिट कर लें। हाँ लाइटें बंद कर दी आपने, करे अब आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। लाइट ऑन करें, नहीं क्लच है ही नहीं, क्लच है ही नहीं, क्लच है ही नहीं, इसको छोड़ो, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ऑटोमेटिक है। गेट खोल दे लाला, गेट खोल, बैड यार, चक्कर लगा के गलत पे चक्कर लगा के, राइट वाली ब्रेक और नीचे वाली ब्रेक है। हेलमेट चाहिए, हेलमेट चाहिए, वापस आके लेंगे ना, जाए कर रहे हैं, हेलमेट दे रहे हैं, हेलमेट दे रहे हैं। बिल्कुल तुम सूट कर रही है, बिल्कुल दूध वाले लग रहे हो। मैं भी जरा टॉप स्पीड चेक करके आता हूं। चेक करें 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 यार, एक्सक्यूज मी, ये डुकाटी 999 की क्या स्टोरी है? सर ये डुकाटी 999 हमारे दोस्त शहजाद खोकर साहब हैं, आप जानते होंगे कराची में डुकाटी बैंकर है, उसने मुझे एक दिन फोन किया कि ये बैरियर टाउन में खड़ी है। इमरान भाई जो है हमारे बाइकर दोस्त है, पाकिस्तान में जितना नया बाइक है सब, इन्होंने सबसे पहले H2 मेरा ख्याल पाकिस्तान का पहला इसका था, S1000 RR इसका था, ये वो आदमी है जो रिंग रोड पे 300 मारता है और उसके बाद चिल कर रहा होता है। तो मैंने इसको कहा भाई जाके देख ले, मुझे समझ नहीं आती, तो ये लेकर आए हैं। उसको शौक है, हाँ इसको शौक है कि जी मैंने बचपन में जब मैं स्कूल में था तो मैंने जिस तरह मुझे गाड़ियों का शौक है ना इस जमाने में थी, तो शहजाद खोकर ने कहा यार मुझे ये घर में खड़ी करनी है, इट्स इन बैड शेप राइट नाउ, इसके पार्ट्स भी पड़े हुए, अभी कराची शिप करनी है, तो अब हमें वेट कर रहे थे, अरगान उस दिन आया था, हमने कहा उसके साथ भेज देंगे। आप जा रहे हैं अगर तो एज अ डेकोरेशन पीस? हां नहीं, शहजाद खोकर इज अ बाइकर, वो खुद करेगा इसको रिस्टोर। अभी ये चलती है नहीं चलती? इमरान चलती है, अभी भी चलती है, लेकिन और इसका नंबर भी 9990 है, उसका नाम ट्रांसफर होकर कल कार्ड भी आ गया है, तो ये शहजाद खोकर साहब की गाड़ी है, मॉडल गुड लुकिंग बाइक, इट्स अ 2008 और इतनी पुरानी भी नहीं है, 2008 है ना, पुरानी है सर बाइक, इमरान साहब 98 है 2008 है, मगर इसमें भी टू स्ट्रोक इंजन होता है लाइक ऑल डुकाटीज। 2002 ये टू स्ट्रोक है, टू स्ट्रोक ही है ना ये, फोर स्ट्रोक है। अच्छा अब तो डुकाटी टू स्ट्रोक नहीं आती, ये मेगा से V12 इंजन है इसके अंदर, ये देखें ना इसका क्लच, यहां से ड्राई क्लच है, ये देखें ये कैसे पता लगा ड्राई है, बैठे पहचाना जाता है, साफ नजर आ रहा है उसकी स्टार्टिंग की, इसकी जो आवाज है वो बड़ी फर्क होती है। ये बड़े मजे की चीज है, लेकिन आजकल ये मैं अभी लेके जाऊंगा, मैं अभी मैंने शाम को ही ले जाया, मिस जाएगा पता नहीं, मिस है कि मिस, इज दिस समथिंग अस पाकिस्तानीज कैन बी प्राउड ऑफ? यार अभी तो ये देखें यहां पे इंजीनियर नहीं हो रही, बट आई थिंक दिस इज नीड ऑफ आवर, बिकॉज़ देखें इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी, मतलब फ्यूल इकोनॉमी तो नहीं चार्जिंग है, तो 2 घंटे में कितने यूनिट खा लेगी, और जो इसके डायनेमिक्स हैं अगर वो 125 कहते हैं, आई एम नॉट श्योर 125 में, क्योंकि इसको मेरी याद है, मैं सबसे पहले कोई वर्डिंग नहीं था, पहले मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूं। और फरहान भाई आप मुझे इलेक्ट्रिक बाइक कब भेज रहे हैं? सर आपको भेज रहे हैं इमार में घुमाने के लिए, होना चाहिए ना कुछ? सर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहा हूँ एक, आपको वो भेजते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहा हूँ मैं आपको, बल्कि दिखाता हूँ, वो ले फैजान भाई, वो ले आपके लिए, वो खूबसूरत, कौन सी वाली खूबसूरत है सर, रियली ये है मेरे पास, मेरे पास है ये, स्कूटी वाली, स्कूटी हां मैं दिखाता हूं,
वो है सर आपका जो मतलब कुछ और नजर ये तो फिर इसकी शेप वो नहीं है ये लेंगे कूल ये देयर आर इसमें से 2 और 5 अवेलेबल नहीं 1 इजी जो ये सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट ये किसी ने इंपोर्ट की थी दोस्त हमारे उन्होंने आप लगेंगे बोल रहे हैं हां वो आप धके लेने वाले अब ये इसके जो है ना स्पेक्स वगैरह भी हैं ऑफिस बॉयज को बंदा ले लेगा स्पेक्स वगैरह भी हैं वो देख के भी इसको पढ़ा करेंगे तो इनमें से देखते हैं सर कुछ ये बहुत खूबसूरत मैन एनी ऑफ दीस द रेड वन स्पेशली द रेड वन इज गुड राइट इट जस्ट लुक लाइक पेजियो का जो नया मॉडल है लुक लाइक द ओल्ड वेस्पा जाके वो इटालियन क्लासिक इटालियन कह रहे हैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूं ये वही है जो एंड्रोजिनस कार एंड्रोजिनस एंड्रोजिनस बाइक चलिए ये वो लोग कैसे आ रहे हैं सुबह टॉस कर दियो मैं किधर से जाना है यार सुबह में ये आपका अच्छा सवाल है मैं दफ्तर जाने से पहले फैसला करता हूँ किस पे जाना है फिर दोपहर को लंच पे आके चेंज करता हूँ फिर रात को दफा चेंज करता हूँ ताकि गाड़ी चलती रहे और बैटरी ये चार्ज है दफ्तर करीब होने का फायदा ही है कुछ जगह पड़ी मतलब मुझे अपनी जान को इतना लाभ क्यों डाला हुआ इतनी गाड़ियां लेके यार मुझे शौक है गाड़ियों का गाड़ियां जो है ना आई एंजॉय वॉशिंग देम आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद देम धोखा नहीं देती बेवफा नहीं होती बेजुबान होती है बेवफा नहीं होती धोखा नहीं देती इस्तगारा ठीक आता है जुबान नहीं चलाती तमाम मसाइल जो है ना बदतमीजी नहीं करती वो नहीं कहती हमने तो गाड़ियों के साथ फायदे बता दिए मैंने तो बता दिए यही फायदे और इसीलिए किए हैं और जितने कुंवारे हैं वो गाड़ियों से शादियां कर ले इतने फायदे हैं गाड़ियों भाई यार ये दस रहे हैं सर कैसा लगा गैराज आपको यार मैंने पहले भी देखा हुआ और बेहतर लगा पहले से जो नई CL और नई S क्लास की एडिशंस हुई है लेकिन इतना डिटेल में तो उन्होंने इन डेप्थ अभी बताया ना क्या चीज नहीं यार मैंने पूरी सुबह यही किया था अच्छा हमने लास्ट में भी यही किया था अच्छा उससे गाड़ियों का फायदा क्या होता है प्रांत साहब देखिए हर बंदे का एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट है शौक है मैं ये बिलीव करता हूं कि आपको ना माइजर नहीं होना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप किसी गाड़ी का ख्याल नहीं रख रहे लेट इट गो किसी और को जिसको उसकी वैल्यू उसको बिल्कुल, दे बिल्कुल। तो जब मैं गाड़ी लेता हूँ ना जो कोई भी गाड़ी लेता हूँ समझे उसको एक्वायर किया जाता है फिर उसको इस हालत में लाया जाता है कि वो एक अच्छी गाड़ी लगे आप इंजॉय करें अभी जो मर्सिडीज मैंने आपको दिखाई है उसकी क्या हालत है पहिए टूटे पड़े हैं गाड़ी की हर चीज खराब है जब उसको सही करेंगे फिर चलाने का मजा आएगा तो बस ये चीज है कि आप समझ लें कि एक रिहैब है गाड़ी उठाता हूँ उसको सही करता हूँ इंजॉय करता हूँ जब मुझे लगता है कि यार ये मुझे इसकी वैल्यू नहीं है मैं वो बेच देता हूँ मैं और प्रोजेक्ट ले लेता हूँ क्या बात है क्या सही कह रहे हैं नहीं वैसे बाकी इस मामले में तो मैं सुनील ज्यादा फैन है मैं नहीं कर सकता मैं जिंदगी में जब भी ये कोशिश की है मुझे नुकसान भी हुआ और मैंने कोई मतलब उसको पाया तक मील तक नहीं पहुंचाया सर और मेरे से एक ली थी इन्होंने गाड़ी स्मार्ट 42 वहां तक इधर भी नहीं पहुंची मर्सिडीज स्मार्ट कार लेके दी थी और उसको भी इसी तरह हमने बनाना था लेकिन वो 4 साल सुनील साहब के दफ्तर के नीचे वो रेडी पे खड़ी रही जी वो कुत्ते नाचते रहे उसपे एंड में वो जो है ना फेंकने की अफसर के साथ की मेरे पास 220 थी डीजल में मैं गुड्डू और रजा हम पास पीस ऑटो शो के लिए निकल पड़े मेरा के पास उसने कहा कि जी फुल गर्मी में कि मेरा एसी तो नहीं चलेगा आपकी सोच है शीशे नीचे करके भेरा से पानी की बोतलें बड़ी मुश्किल पहुंचे पता नहीं क्या क्या किया था इस्लामाबाद जा रहे थे हाँ वो गाड़ी वैसे अब 600 कन्वर्ट हो चुकी है सर आप अपनी स्मार्ट कार का नाम ना बसंती रख दें मुझे सिर्फ बात बताते रहे यकीन करो अब गाड़ी बड़ा दुख हुआ मोहब्बत होने पे बड़े पैसे जाया किए मैंने या कभी कभी ऐसे शौक में अब लूंगा और बनाऊंगा यार मैं शौक में लेता हूँ और मैंने अपने दिमाग में जैसे कहते हैं ना एक इमेज बना लेता हूँ गाड़ी लेते साथ ही जिस तरह मैंने भी आपको S500 दिखाई है जिसके ऊपर वो टर्बाइन टाइप व्हील था ये वो मुझे इमरान ने एक तस्वीर दिखाई यार ऐसी गाड़ी होनी चाहिए मैंने कहा क्यों नहीं होगी हमने एग्जैक्ट वही टर्बाइन व्हील ढूंढे वही सारा कुछ ढूंढा एग्जैक्ट वो बनाई अभी जो आगे S जा रही है मैंने इसका अपने दिमाग में एक इमेज बनाया हुआ है कि मैंने इसको कैसे बनाना है चलिए सर थैंक यू सो मच सर हम अब आपसे कहां मिलेंगे सर कल दोपहर का खाना कटेगा इंशाल्लाह नहीं पक्का लारा लगाएंगे कल तो वो हो सकता है कि मैं रीडिंग के लिए बाहर से बुला लिया तो फिर हो सकता है कि व्हाट्सएप ब्रो ऑफ कोर्स मैन अगर आप आ रहे होंगे तो फिर हम गुड्डू भाई को बुला लेंगे इस बहाने उनको भी होगा कराची वालों से इनको भी खाना मिल जाएगा वरना इन्हें किसी मुंह नहीं होगा कि नहीं काउंट तो बिल्कुल फिर नहीं बुला रहे मैं नहीं इनकी भी ट्रीट हो जाएगी मैं आ जाता हूं ठीक है ना सी यू गाइस टुमारो ओके वेरी गुड थैंक यू सर हम भी बहुत उदास हो गए थे आपसे ऑन द सेम डे मैन Like, we